जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अगर ऑल इंडिया रुझान की हम बात करें, 403 सीटों के रुझानों में बीजेपी को 37.2% वोट हासिल होते हुए यानी आगे जाते हुए दिख रहे हैं, ये लीड रुझान हम कह सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी को 26.8% यानी तकरीबन 9% का गैप या उससे भी ज्यादा परसेंट का गैप हम देख रहे हैं, और 10 से 11% का गैप हम देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को 3.3% वोट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम और दूसरे रुझानों की बात करें, अब जो ताजा रुझान आया है वो 460 सीटों का रुझान देखने को मिल रहा है, बीजेपी 37% और कांग्रेस पार्टी 26%। ये रुझान इस वक्त का ताजा रुझान है जो ऑल इंडिया लेवल पे देखने को मिल रहा है 460 सीटों पर। आपने लगातार कॉलम लिखे कि इस बार मोदी की लहर चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा लगता है लहर तो चल गई। उत्तर भारत के राज्यों में तो बीजेपी का जो प्रदर्शन है उसे तो लहर माना जा सकता है इस समय। देखिए, आप आंकड़ों से नहीं लड़ सकते, तो अगर फिगर्स ये हैं जो अभी हमको दिखाई दे रही तो एग्जैक्टली आप ये मानेंगे कि उसका असर हुआ है। वो एंटी कांग्रेस कांग्रेस वोट भी मोदी वोट में या मोदी वेब में कन्वर्ट हुआ, या मोदी के नाम पर उसको एंटी कांग्रेसिज्म को, एंटी कांग्रेस वेब को मोदी वेब करार दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ों को आस्था से ना जोड़ा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आंकड़े तो फैक्ट हैं, वो तो आपके सामने। अगर बीजेपी को या बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को 310-320 सीटें मिली हैं तो मिली हैं, अब उसमें आप क्या कह सकते हैं, आप सिवाय इसके कि उनको बधाई दे दें भारतीय जनता पार्टी को, और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये मैंडेट आप उसको कहाँ है, वो लहर है, वो लहर एक्चुअली कहाँ थी, वो मोदी की लहर थी या कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, लोगों का गुस्सा था जो लहर की तरह कन्वर्ट हुआ और बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, तो उसे बीजेपी ने तमाम मुद्दों का पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान फायदा उठाया। जैसे चाहे वो मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी हो चाय पर, चाहे वो जो कुछ भी हुआ हो, या जहर की खेती हो, या सबका सबको पलट के अपने अपने हक में इस्तेमाल किया, कांग्रेस लगातार पीछे रही। एक तो एंटी डबल एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ थी, और दूसरा ये कि उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं थी, और प्रचार में भी लगता है कि वो पैर में उनके 50-50 किलो के पत्थर बांध दिए गए थे, वो चल ही नहीं रहे थे। तो कोई अभियान, कोई कैंपेन कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने गलतियां नहीं की, नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि वो 56 इंच का सीना उसका कोई इस्तेमाल करने वाला कांग्रेस में नहीं था, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पहले कहा था उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा भी बीसीओ ऐसी उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस उस मौके को भुलाने में असफल रही। बिल्कुल नहीं, और लोग विश्वसनीयता का संकट अलग से था कांग्रेस के पास, क्योंकि वो कुछ भी बोलते किसी को उसका भरोसा ही नहीं था। देखिए, जैसे 1977 की मैं फिर से बात करूंगी, वो जो जनता पार्टी को वोट मिला वो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते एक जनता पार्टी की लहर थी, एक कांग्रेस पे जो इमरजेंसी के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों में वो उसमें कन्वर्ट हुआ, और जनता पार्टी को पॉजिटिव भी मिला कि देखिए एक नई सरकार आए तो बेहतर होगा, नई पार्टी, ये सारी पार्टी इकट्ठी हो गई। दूसरी बात यह है कि इस दफा भी जो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स भी है, जो बिल्कुल नाराज था इन्फ्लेशन को लेके, करप्शन को लेके, और सो कॉल्ड जो प्रोपेगेंडा हुआ पॉलिसी पैरालिसिस का, और प्रोपेगेंडा तो बहुत जबरदस्त हुआ भाजपा की तरफ से, सिर्फ कैंपेन के दौरान नहीं, ये जब से कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ तब से आप समझ सकते हैं कि प्रोपेगेंडा होता रहा। अन्ना हजारे के साथ भी आरएसएस जुड़ गई थी, भाजपा जुड़ गई थी, बाद में वो अलग हो गए, डिफरेंसेस हो गए। तो ये सारा जो 2-3 साल से लगातार कांग्रेस बैकफुट पे थी, तो उसका नतीजा भी है। आप उसको मोदी लहर कह लें या आप उसको एंटी कांग्रेस वोट कह रहे, दोनों चीजें हैं, एक चीज नहीं है, दोनों फैक्टर्स हैं इसमें। और अब आके जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे कि बीजेपी को अगर सेंटर आप कह रहे हैं वोट मिल रहा है बीजेपी को, अगर पता नहीं आपकी 460 बीजेपी बोल रही है कि बीजेपी 460 सीटों के रुझान है जिसमें बीजेपी 37% वोट से आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 26%। तो 37% अगर बीजेपी को मिल रहे हैं तो उसका बहुत भारी उसने जंप लिया है जी, तो पहले उसके वोट के रुझान थे और कांग्रेस का 10% वोट घटा है, तो आप उनको कांग्रेस की नाराजगी उसमें कन्वर्ट हो गई, कुछ बीजेपी की लहर कह लीजिए, मोदी का पॉजिटिव वोट भी गया कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग मैन है, इंडिया को आगे ले जाएगा, जो उसने सपने दिखा रहा है इंडिया को। कांग्रेस Richa Mishra of the Aam Aadmi Party and Nirupal Basu of the left as well.
Amrita, I'd like to start with you, of course. It looks like the Congress is not even going to cross the 100-figure mark today. And do you finally accept defeat, or are you also going to apply the same tactics as the other Congress leaders and say that this is just early, we'll wait for the final results? देखिए सच्चाई तो यही है कि अभी तो सब रुझान ही है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों के बाद जो है मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना बेहतर होगा। लेकिन इस मौके पे यह भी बताना बहुत जरूरी है कि इस देश के अंदर जिस विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी और लड़ती रहेगी वो हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी, क्योंकि सिर्फ विकास का मुखौटा लगाकर चेहरे पे नकाब पहनकर और बार बार झूठ को सच साबित कर ये झूठ की राजनीति और जो छलावे की राजनीति है इससे वोट लेना ये सफलता नहीं होती है। जब तक आपकी नीयत साफ नहीं हो, जब तक आप विकास जनता को नहीं देना चाहते हो, जब तक आप लोगों को सशक्त नहीं करना चाहते हो, तो अपने दिखाने का काम किया है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जब ये पैकेजिंग उतरेगी और जब ये पैकेजिंग उतरेगी प्रतिनिधि कि किस तरीके से ये लोग एक्सपोज होते हैं। जी ऋचा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपकी पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी, पहली बार आपके नेता, जो भी नेता इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, देश ने पहली बार उन्हें देखा और जाना कि ये नेता हैं, और आज वो 3.3% वोटों के रुझान से आगे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव आप लोग को नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाने में कामयाब होगा? आप लोग अपने प्रदर्शन पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत की राजनीति में ये पहली पार्टी है जो इतने कम समय में 1.5 साल के भीतर अगर हम 2 करोड़ के करीब वोट्स लेने में सक्षम होते हैं और एक विकल्प की राजनीति हमने यहाँ पर शुरू करने चैप्टर शुरू कर दिया है तो एक बहुत शानदार बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो देख रहे हैं, जो एक विकल्प हम देना चाह रहे थे समाज को, वो हमने दिया है। जितने लोगों ने हमें वोट दिया और शाम तक हमें और स्थिति समझ आएगी, उस हर एक व्यक्ति के साथ जिसने हमें वोट दिया है, 4 और ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, ये अच्छी पार्टी है, परंतु भाजपा ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है और पीएम का चुनाव था ये, तो अगर नरेंद्र मोदी जी को की तरफ रुझान जा रहा है तो ये बेसिकली एक अल्टरनेटिव था जो इमीडिएटली लोगों को दिखा और लोगों ने चूज किया है। परंतु इतिहास, पुराना इतिहास दोहराया जाएगा बल्कि और अच्छा हो जाएगा। मैं नीलोत्पल जी आपके पास आना चाहती हूँ। अभी तक के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस के 30 मंत्री जो हैं वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि उसकी लहर में सब पिछड़ गए, कांग्रेस तो कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय दल धराशायी हो गए। क्या कहेंगे आप? नीलोत्पल बसु। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सही बात है कि जो रुझान है वो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है, तो इसीलिए हमें पूरा रिजल्ट मिलने के बाद बैठ के सोचना पड़ेगा कि कहाँ क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी को इस हद तक पसंद किया, एनडीए को इस हद तक पसंद किया, और उसके आधार पे हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसे मान के चलते हैं कि मोदी जी जो कांग्रेस के खिलाफ ऐलान किया था जंग का और कांग्रेस के बारे में जो उनका आलोचना था उसके अंदर किस नीतिगत सवालों पे उनका विरोध है ये साफ तौर पे सामने नहीं आया। तो हमने देखा है कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें चली गुजरात समेत उसके अंदर जो नीतियां चली वो कोई भिन्न प्रकार के नहीं है, तो इसीलिए देखना पड़ेगा नई सरकार आने के बाद वो क्या नीतिगत रुख अपनाते हैं और उसके आधार पे जरूर हमको भी पुनर्मूल्यांकन करना होगा कि किस तरह से हम लोगों के बीच जाए, किस सवाल को उठाए, किस नीतिगत सवालों को सामने लाए। कुछ जगहों पे तो नीलोत्पल दा ये भी देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी भी आप लोगों से बेहतर प्रदर्शन कर पा रही है।
आम आदमी पार्टी को वोट मिला है ठीक है, लेकिन लेफ्ट तो जो आम आदमी पार्टी का रणनीति था, लेफ्ट का रणनीति वो नहीं था। हमने मूलतः हमारे जो समर्थन के जो मजबूत इलाका है वहाँ पे हमने कंसंट्रेट किया था, और बाकी कुछ प्रदेशों में भी हम कुछ सीटें लड़ी थी। तो ये देखना पड़ेगा, मतलब केरल में हम लोगों को नीलूदा ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तो कई जगहों पे रिप्लेस कर ही रही है, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरह से रुझान बढ़ रहा है उससे कहीं ऐसा ना हो कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी आप लोगों के भी वो रिप्लेस करने के तरफ बढ़ जाए। ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारा जो सवाल था, हमने दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का उभरने का उसको एक शुभ संकेत मान के चला कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मुकाबले एक तीसरी ताकत को सामने आना वो अच्छी बात थी। लेकिन साथ साथ हमने ये सवाल भी उठाया था कि नीतिगत रुझान के बारे में उनका अस्पष्टता है, तो इसीलिए आने वाले दिनों में, क्योंकि एक साल सिर्फ बीती है आम आदमी पार्टी का तैयार होने का और चुनावी गतिविधि में भाग लेने का, तो इसीलिए कुछ देर आप रुकिए और उसके बाद उनका भी रुझान क्या है, उनका भी दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में पता चलेगा। ओके, टेकिंग ऑफ फ्रॉम मधुकर, टेकिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट नीलोपत इनफैक्ट सेड दैट ऑफ कोर्स ही इज सेइंग दैट द पार्टीज नीड टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड मे बी यू नो डिस्कस व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फ्यूचर। ही इज एक्सेप्टिंग डिफीट हियर इन दिस केस, बट इफ यू लुक एट द इंडिया मैप ऑफ कोर्स एंड यू लुक एट बारिंग ऑफ कोर्स कपल ऑफ सदर्न स्टेट्स एंड ओडिशा, इट्स अ सी ऑफ ऑरेंज ऑल ओवर द प्लेस, सो देयर इज अ मैसेज देयर, clear underlining message for all the other parties also to take from this. Absolutely, I mean they have to. Nilotpal is right, he, all parties, not just the left, even the Congress, and more so in the case of Congress, they have to go back to the drawing board, they have to assess their leadership, their the kind of people they have on the ground and the issues they are raising. I would tell you, there is a company in London which works on sound clouds. It's a sound clouding company, which means what kind of word is repeated by which leader or which party, and that tells you a story where the focus is. Now, they tracked Narendra Modi, and in March, in the month of March, the words used were India, people, jobs, security, development. So these words were used repeatedly. And development was used, if development was used 500 times, Hindutva was used once. So that's the ratio. Yeah. In April and first week of May, the words changed. So if the first word is employment, then Gujarat, then UP, then caste, then Varanasi, and then development. Hmm. Now, this is how it has gone about. Yeah. Look at other parties. I mean, most of these words are missing. There is Modi 1, Modi 2, Modi 3, Modi 4, Modi 5. I mean, that I think spelled the doom and the disaster for other parties. जो आपने कहा ना कि मोदी और उनकी पार्टी तो अलग अलग मुद्दों पर शिफ्ट होती रही, लेकिन जो दूसरी विपक्षी पार्टियां थी वो केवल मोदी मोदी और मोदी पे टिक के रह गई, और हालत ये हो गई कि चाहे वो मोदी हो चाहे वो मोदी के विपक्षी हो, सब मोदी का ही फेवर करते हुए नजर आए, और आज उसका रुझान सामने देखने को मिल रहा है। बीजेपी स्वीप कर रही है, गुजरात में 26 में 26 सीटें, दिल्ली में 7 में 7, राजस्थान में 24 में 24, छत्तीसगढ़ में 11 में 9, हिमाचल में 4 में 4, उत्तराखंड में 5 में 5, मध्य प्रदेश में 29 में 24 और झारखंड में 9 में 7, ये रुझान ताजा देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी तो ऐसा लगता है कि आपने जो कहा कि विपक्ष सारा मोदी मोदी पे फोकस करती रही और मोदी दूसरे मुद्दों पर फोकस करते रहे, कुल मिलाकर प्रचार मोदी का ही होता रहा और वो नतीजे में सामने आया। कई बार होता है जब एक क्या कहते हैं, एक पर्सनालिटी काफी कंटेंशियस हो और पोलराइजिंग फिगर हो, जस्ट कम्युनल पोलराइजेशन नहीं, इन एवरी अदर वे इडियोलॉजिकल पोलराइजेशन, तो ये होता है। और मोदी का देखिए, आप ये आप मानिए या ना मानिए, मोदी ने, मैं बीजेपी नहीं कहूंगी, मोदी ने जितना पैसा इस इलेक्शन में खर्चा और जितना प्रचार मोदी का हुआ,
होर्डिंग्स के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और उनके जो कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके प्रचार किया, उसको आप नकार नहीं सकते, नकार नहीं सकते। क्योंकि देखिए, इतना प्रचार कभी ना इंदिरा गांधी ने, ना राजीव गांधी ने, ना किसी ने कभी ऐसा प्रचार किया नहीं। अनुमान है, लोगों का अनुमान है 20,000-30,000 करोड़ खर्च किया है भाजपा, मोदी और उनके कैंडिडेट्स ने मिलकर। और कैंडिडेट्स का तो वो खुद ही बोल रहे थे, उनके एड्स बोल रहे थे, जब आप बटन दबाएंगे आप ये मत देखिए कि कैंडिडेट कौन है, आप सीधा वोट मोदी को दे रहे हैं। तो इन्होंने काफी हद तक, काफी सक्सेसफुली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया इस इलेक्शन के दौरान। जी, शुरुआती दौर में जो आंकड़े आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा 3500 करोड़ रुपए के करीब खर्चा हो रहा है जो टैक्स पेयर्स की मनी थी। करोड़ तो कुछ भी नहीं जी, 3500 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अकेले जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर मैं कह रही हूँ, तथ्य आप लोग ज्यादा प्रूफ कर पाएंगे या बीजेपी इसको क्लैरिफाई करेगी, लेकिन जो जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 5000 करोड़ रुपए बीजेपी प्रचार में खर्चा कर रही थी, और ओवरऑल जो खर्चा हो रहा था वो तकरीबन 30,000 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा इस चुनाव में खर्चा हो रहा था। भाजपा का मैं अलोन कह रही हूँ, ये अंडर एस्टिमेशन है। देखिए, जो लास्ट मैसेज गया है, लास्ट पोलिंग डे पे जो मोदी का मैसेज 5-10 मिनट का गया है, हर टीवी चैनल ने कैरी किया, दैट वॉज पेड फॉर, वो न्यूज नहीं था। Because I know personally, I was sitting in a studio when this happened and they said it was, the Anka was surprised that they are carrying that message. और यहाँ तक कि दर्शक भी सरप्राइज थे कि अचानक पोलिंग डे के दिन इस तरह से कैसे आ गया। इस तरह का उल्लंघन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कभी आज तक देखा नहीं, ना इंदिरा गांधी ने किया, ना राजीव गांधी ने किया, ना एलके अडवाणी ने किया जब वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, ना किसी और ने। लेकिन ये एक ऐतिहासिक दौर था चुनाव का परसा, और क्या यहाँ से ये जो जो ट्रेंड्स शुरू हुआ है, जिसको नीना जी ने कहा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, वो और ज्यादा सघन होता जाएगा, और ज्यादा कहें कि मजबूत होता जाएगा, और अब आने वाले दिनों में इसी तरह के चुनाव देखने को मिलेंगे जो पैसे के दम पे लड़े जाएंगे? ये तो सही बात है कि आगे भी जाके पैसे पे जो लड़ते हैं, ये अमेरिका में भी ये है कि जो पैसे ज्यादा स्पेंड करते हैं। नीना जी जा रही है, मैं उनका शुक्रिया करना चाहूंगी। नीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अमेरिकन इलेक्शन में भी हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो ज्यादा स्पेंड करते हैं तो उनका कामयाबी, ये एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग जो ज्यादा स्पेंड करते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्पेंड किए या क्लिंटन या ओबामा, काफी पैसे खर्च किए, 6,000 करोड़ रुपए ओबामा के चुनाव में खर्च हुए थे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कैंपेन जो है उसी स्टाइल पे चल रहा है। क्या ये स्टाइल कामयाब होगा या स्टाइल एक्सेप्ट करेंगे इंडिया में या मुमकिन है, ये देख रहा है। लगता है इस इलेक्शन में कई फैक्टर्स के वजह से ये मोदी कामयाब हुए और बीजेपी कामयाब हुआ, इसलिए नहीं कि ये मोदी का एजेंडा को सब लोग कबूल किए हैं। यू गॉट सम न्यू फिगर्स इन फैक्ट कमिंग इन राइट नाउ। स्टेट्स वेयर रीजनल पार्टीज हैव रिटेन्ड देयर कंट्रोल इन वेस्ट बंगाल, ऑफ कोर्स द तृणमूल कांग्रेस देयर हैज इज लीडिंग ऑफ कोर्स इन 30 सीट्स आउट ऑफ 37। इन तमिलनाडु द एआईएडीएमके लीडिंग इन 29 आउट ऑफ 31, एंड इन ओडिशा एज वेल इट्स द बिजू जनता दल दे लीडिंग इन 13 सीट्स आउट ऑफ 18 इन टोटल। सो मधुकर, आई मीन दिस ऑफ कोर्स इज द प्रिवेलिंग ट्रेंड दिस टाइम अराउंड। इस ट्रेंड में और भी मैं जोड़ दूं, वेस्ट बंगाल में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड आगे बढ़ चल रही है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है, और ओडिशा में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सो इफ यू लुक एट द ट्रेंड ऑफ कोर्स दिस टाइम अराउंड, in every state where there is a strong regional party, the BJP has really not been able to make too much of inroads into that particular state. So that's a worrying factor as far as the BJP is concerned. Well, strong regional forces, what would you say about UP then, with Mulayam Singh Yadav and Mayawati there, or Bihar with Lalu Yadav and Nitish Kumar there? I mean, aren't they strong regional forces? They are, but BJP has been able to make inroads. So the problem is somewhere else, not with the regional parties. Regional parties traditionally, maybe Modi's campaign has reached in Tamil Nadu or Kerala, reached the mind space, because I've traveled to the countryside in Tamil Nadu and Kerala, and you know, most parts of the coastal states. And you know, I mean, in remotest of villages, Modi is discussed. Modi is talked about.
they don't talk about BJP, they talk about Modi. So he has occupied mind space. Maybe he is not getting votes, but a strong figure like him, and as Nina was suggesting that, you know, it has been converted into a presidential form of government or election. If you have a strong personality like Modi, it will get repeated. You know, after Modi, if any other party has that kind of a charismatic, strong leadership, it will continue to grow, the presidential style of campaigning. But in case there are, you know, I mean, these experiments, one of these governments fail, they are not able to deliver. And that will be a real challenge for Modi, because that's Modi's style of functioning. Modi is not challenged in these elections. If the current trends are an indication, Modi is not challenged. Modi has always worked with majority. He has never handled coalitions. So he would get a free run with this kind of results, as I indicated. So it is not a test for Modi. Modi's टेस्ट वुड बी डिलीवरी जी मोदी का टेस्ट डिलीवरी पे होगा. और हमारे साथ बीजेपी के नेता संजय कौल जुड़ गए हैं. संजय जी, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें लगता है कि बीजेपी भारी मार्जिन से जीत रही है और मोदी जी की लहर चल गई. लेकिन सबसे बड़ी बड़ी चुनौती जो होगी वो डिलीवरी की होगी, लोगों का विश्वास जीतने की होगी कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं. या वो तो हर समय रहता है और मुझे लगता है कि लेकिन एक बात देखने लायक है कि 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 जब इस बार हम इलेक्शन में आए हैं तो हम लोग हमारी लीडरशिप के बारे में एक पुख्ता सबूत पेश करके आए हैं. कांग्रेस की जो दिक्कत रही है वो ये थी कि उनकी लीडरशिप या जिस लीडर को वो इम्पोज करना चाहते थे उनकी क्रेडिबिलिटी भी हर एक आदमी को शक था. और आज उनकी स्थिति ये है कि अमेठी में वो शायद अपनी सीट रोक पाए, बचा पाए कि ना पाए, वो मालूम नहीं पड़ रहा है. एक और सवाल बनता है संजय जी, वो ये कि अगर गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आई तो मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है. हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट मधुकर उपाध्याय जी ये कह रहे थे तो बड़ा चैलेंज होगा कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे और कैसे परफॉर्म करेंगे. आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? नहीं, मोटे तौर पर अगर आप इस तरह की चर्चा करें तो चल भी जाती है. मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक स्टेट भी चलाते हैं, एक चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ काम करना पड़ता है. और पॉलिटिक्स में जो लोगों के साथ काम नहीं कर पाते वो पॉलिटिक्स में बढ़ भी नहीं पाते हैं. और रही बात यह कि कोलिशन में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको मालूम है कि अगर किसी को ये एक्सपीरियंस और अच्छे से चलाने का है तो वो एनडीए को है. तो एनडीए मानती है कि चाहे वो कोलिशन में चलाने की बात हो या चाहे इंडिपेंडेंट तौर पर, दोनों ही तरीके से वो सरकार चला सकती है. लेकिन मधुकर जी, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए को क्लियर मेजोरिटी मिलती हुई दिख रही है तो कोलिशन में उस तरह से जाने की जरूरत नहीं. वही मैंने कहा कि मोदी के लिए चुनौती है ही नहीं, क्योंकि यही तो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के लिए आइडियल ग्राउंड हो सकता है जो अभी उनको मिल रहा है. अगर यही ट्रेंड्स रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मोदी इज नॉट टेस्टेड ऑन दिस बिकॉज ही इज ऑन हिज फेमिलियर ग्राउंड विद अ मेजोरिटी. He can take decisions, he can move ahead. The BJP has also been talking about the, you know, implementing the Gujarat model in India. But then again, India is not Gujarat. Will they be successful in trying to implement that model on a larger scale? I would think that it's way, way difficult. Even in Gujarat, you know, the kind of persona Modi is, well, you know, when you're traveling on the highways, when they talk of Gujarat roads as an indicator of Gujarat model of development, if you are traveling on this, you can travel at 140, 150 kilometers an hour just off the highway because everything looks beautiful, looks good from the highway. Just a few kilometers from the national highways or highways, the roads are bad. When I ask people, why do you think, you know, the roads are bad, why do you praise Modi? He said, he's God. If the roads are not there, they will be there. So there is, he generates hope. You know, I mean, people living in that kind of condition in Morbi, in Taluja, in Bhavnagar, in Veerawal, I mean, all these areas I personally visited, asked people, and they say if their things are good, if they are not good, they will become good because Modi is there. Pasa,
पारसा, ये जो हमने अब जो ट्रेंड देखा उससे तो ये साफ लग रहा है कि एनडीए स्वीप कर रही है, मोदी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सबसे पहला चैलेंज आप उसके सामने क्या देखते हैं? इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को कैसे संभालेंगे? इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है जितना बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मोदी का जो अप्रोच है कि हर पेचीदा प्रॉब्लम को हम सिंपल सॉल्यूशन बताएंगे, वो शायद मुमकिन नहीं है। तो उनका बड़ा चैलेंज होगा कि इकोनॉमी को कैसे हैंडल करेंगे, और वो बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन इस वक्त आज के दिन बात इकोनॉमी संभालेंगे या नहीं, बात यह है कि बीजेपी एनडीए मोदी आज फतेह हासिल किए, और वो शायद आज के दिन कुछ दिन और कुछ महीने और इस खुशी में रहेंगे। जो प्रॉब्लम्स है उनको पेश करना, उनको कैसे हैंडल करें वो बाद में देखेंगे। जी, एक ताजा जो रुझान आ रहे हैं वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये और भी ज्यादा बीजेपी की जीत को पुख्ता करते हुए दिख रहे हैं। गुजरात में 26 में 26, दिल्ली में 7 में 7, राजस्थान में 24 में 24 और महाराष्ट्र में 44 में 37, ये थोड़े और चौंकाने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश में 79 सीट्स में 65 से भी कहीं ज्यादा आगे 65, छत्तीसगढ़ में 11 में 9, हिमाचल प्रदेश में 4 में 4, उत्तराखंड में 5 में 5, मध्य प्रदेश में 29 में 24 यानी 29 में 24, झारखंड में 9 में 7, कर्नाटका में 28 में 17, असम में 13 में 7 और अरुणाचल प्रदेश में 2 में 2 और हरियाणा में 10 में 7। एकदम क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। ये है यहाँ पर इस इलेक्शन में जिस तरह गया, एक तरफ जो है मोदी का प्रोपेगेंडा रहा, दूसरी तरफ जो दूसरे पार्टीज जो है मोदी के इकोनॉमिक प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करने के बजाय मोदी को अटैक किए हैं। ये सेक्युलर, उनको कम्युनल बताना चाह रहे थे, डेमिनोलॉजी क्रिएट की, लगता है कि वो बिल्कुल नाकाम रहा। और लोग इस मानने को तैयार नहीं है कि एक आदमी को इतनी शिद्दत से शैतान के तौर पे बताए, कहीं ना कहीं रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए इस ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दोनों चीजें में अमृता, एक तो स्ट्रांग पर्सन ऑफ मोदी, वो एक फैक्टर था बहुत बड़ा, क्योंकि दबंग किस्म का शेर दिल और ये अपनी बात खुल के कहने वाला, इस तरह का एक कमजोर सरकार को देखते देखते लोग थक चुके थे, और एक पुरुष प्रधान समाज की सोच जिसमें मोदी बिल्कुल फिट होते हैं। जी, तो क्या ये हमारे ये दोनों चीजें, क्योंकि वक्त लगातार खिसकता जा रहा है, इसलिए मैं निलोत्पल जी को शामिल करना चाहूंगी। निलोत्पल जी, क्या ये जो हमारे पुरुष प्रधान समाज की सोच थी जिसकी वजह से आज बीजेपी इतना आगे करे, आप क्या उसके पीछे वजह देखते हैं? लगातार हम जो स्टेट्स बता रहे हैं, गुजरात तो मान लीजिए बीजेपी का गढ़ी है, लेकिन दिल्ली में 7 में 7 जो पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी वो सारी सीटें बीजेपी ले गई, राजस्थान में पूरी की पूरी 24 सीटें ऐसा लगता है बीजेपी के खाते में जा रही हैं, महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि थोड़ा सा वो बीजेपी से आगे या पीछे रह सकती है, बराबरी पे रह सकती है, वहां पे भी वो 37 सीटें ले जाती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में तो लैंडस्लाइड 1998 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, 65 सीट्स, और इस तरह से तमाम राज्यों में जो उसका प्रदर्शन है वो लग रहा है कि क्लीन स्वीप की तरफ चली गई। वजह क्या आप देखते हैं बीजेपी की इस जीत के पीछे? और हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया था कि हमारे जैसे विशाल और अनेकतापूर्ण देश में ये सही नहीं होनी चाहिए, इसके विपरीत ये प्रयोग था। और खास करके ये कॉरपोरेट तबके का जो भरपूर सपोर्ट था, जो आप पहले बात से चल रही थी कितना खर्चा हुआ है, हम लोगों ने थोड़ा सा एक आंकड़ा निकाला कि हम लोगों का कहना है कि 15,000 करोड़ के आसपास ये बीजेपी कैंपेन में गया है, और ये साफ जाहिर है कि कॉरपोरेट तबके काफ़ी उतावले थे ये देखने के लिए कि प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और ये प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए ये संविधान को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि हम देश के अंदर ये बहस भी करें, नया संसद ये बहस भी करे
क्या संविधान के अंदर कोई परिवर्तन का जरूरत है, क्योंकि इस किस्म का खर्चीला हो जाएगा और जो चुनाव संबंधित जो कानून है वो कानून के तहत पार्टी के लिए खर्चा कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं बैठती है और इसके चलते जो छोटा पार्टी है जो लोगों का महत्वपूर्ण तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं उन सब पार्टियों के लिए तो बहुत आप बड़े चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं जिसको बार बार उठाया जाता रहा है कि देश में एक बड़े चुनाव सुधार की जरूरत है, लेकिन आपको भी लगता है कि अब ये मौके पर चुनाव सुधार की बात करने का कोई असर होगा? नहीं, चुनाव सुधार की बात तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। और वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं, तमाम और कारण है जिसकी वजह से आपको इनकी बात करनी पड़ेगी। आपको इसलिए भी बात करनी पड़ेगी कि क्या उस तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कोई मतलब है जिसमें आप कहते हैं कि 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो गया, जबकि आपके ड्राइंग रूम आपके बेडरूम तक में नेता उस दिन उस घंटे उस मिनट तक जब आप वोट डालने जा रहे हैं आपको एड्रेस कर रहे हैं। तो आप मल्टी फेज्ड इलेक्शंस में इस तरह की चीजों को तो ये सब अमेंड करना पड़ेगा, ये सब होना ही पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि खर्च में पार्टी का खर्च और कैंडिडेट का खर्च क्या मिलाया जाए, क्या इसकी कोई व्यवस्था हो। जो बात भारतीय जनता पार्टी जमाने से करती रही है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की ओर जाना चाहिए, क्या उसकी जरूरत आ गई है, क्या ये कहीं इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने बाहुबल हटा लिया, धनबल कम हो गया, लेकिन वो वापस आ गया है और इतने वेहमेंटली वापस आया है कि अब लगता है कि उसको आप रोक ही नहीं सकते जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करें। जी, लेकिन अभी जो ताजा आंकड़े हमारे चैनल पे दिख रहे हैं उसके मुताबिक 325 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस सिमटकर 67 सीटों पर पहुंच गई है। अदर्स के खाते में 151 सीटें आती हुई दिख रही हैं और नीचे हम आपको अलग अलग स्टेट्स के रुझान दिखा रहे हैं। ये रुझान लगातार हमारे राज्यसभा टीवी पर जारी रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक के लिए। आप सभी का धन्यवाद। एक एक सीट